खिलाड़ी अक्षय कुमार और उनके फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म है पृथ्वीराज चौहान, जिसको हिट करवाने के लिए अक्षय कुमार ने प्रमोशन के लिए बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पे प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन अब सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है। क्योंकि दोस्तों अक्षय कुमार के साथ कुछ ऐसा हो गया है जो हम कभी नहीं चाहते थे। अक्षय कुमार दोस्तों दूसरी बात COVID-19 का शिकार बने हैं। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर 14 मई को ये ट्वीट करते हुए बताया कि उन्हें कई यहाँ पे इवेंट लेने थे, कई इवेंट को यहाँ पे जाना था, मूवी प्रमोशन करना था, लेकिन अक्षय कुमार अब वो सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक बार फिर से वो COVID-19 के लिए पॉजिटिव आए हैं। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान के जो प्रमोशंस थे कई शहरों में, अक्षय कुमार के टूर थे, वो एक बार के लिए पोस्टपोन हो गए हैं। अब अक्षय कुमार कब एक बार फिर से नेगेटिव रिपोर्ट लेके आते हैं तब जाकर ही अक्षय इस फिल्म के प्रमोशन में फिर से जुट पाएंगे। खिलाड़ी कुमार इससे पहले भी राम सेतु की शूटिंग के दौरान COVID-19 का शिकार हुए थे और उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ा था। एक बार फिर से अक्षय कुमार को कोरोना के चपेट में आना पड़ा है। पूरे वैक्सीनेशन ले चुके अक्षय कुमार इसके बावजूद दोस्तों COVID-19 का शिकार हुए हैं, लेकिन अक्षय कुमार की इम्यूनिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। वो अपने खान पान का हमेशा से काफ़ी अच्छे से ख्याल रखते हैं, इसलिए अक्षय कुमार यहाँ पे ज़्यादा सीरियस नहीं है। और 3-5 दिन के क्वारंटाइन के बाद एक बार फिर से उनका टेस्ट होगा, तब जाके पता लगेगा कि अगली रिपोर्ट क्या आती है। खैर अक्षय कुमार जल्द ही ठीक हो जाए ये तो हम चाहते ही हैं, क्योंकि बॉलीवुड के मिनी बॉलीवुड कहलाने वाले अक्षय की फिल्म 3 जून को रिलीज़ होने वाली है। उसके प्रमोशंस के लिए अक्षय कुमार को काफ़ी काम करना है और अक्षय कुमार के सामने इतनी सारी फिल्में हैं तो शूटिंग भी उनको जाना ही पड़ता है। आपको खिलाड़ी कुमार को विशेष देनी है कमेंट बॉक्स में दीजिए और सब्सक्राइब करें देखो देखो यूट्यूब चैनल, ताकि और भी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।